नटू बागा को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे। आ गए सेठ जी, आ गए, आ गए, आ गए, चलो आ गए बापू जी। ये लीजिए सेठ जी, इस बैग में 540,050 रुपए कैश है। 50 रुपए? सेठ जी, हम जब निकल रहे थे तब एक कस्टमर 50 रुपए का रिचार्ज करवाने आया, तो हम वो भी साथ ले आए। ये लीजिए सेठ जी, ये कैमरा वाली पेन और ये 4 सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन। अरे वाह वाह बका वाह, थैंक यू। ये खोलते इसमें से वो पैसे निकल, 1,60,000 वो निकल, इसको मेहता साहब इसी में रख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ ला, चलो ये हो गए 7 लाख पूरे। अब बताइए सेठ जी, बात क्या है? हाँ हाँ बताइए ना सेठ जी, क्या बात है? तुमको क्या करना है जान के नटू काका? बता दो जेठा, बता दो भाई, बता दो। हाँ बताइए ना, बताइए। अरे भाई हुआ यूं के ब्रेवो सेठ जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बड़ी बहादुरी का काम करने जा रहे हैं, आपको तो ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। बराबर है नटू काका, और मेहता साहब आप भी दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल हो, अपने परम मित्र को हर मुसीबत में हंसते हंसते मदद करते हो। थैंक यू। टुकड़ी पापा, आपको सेटिंग पे का फोन करना है ना कि आप हमको पैसे देने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ अरे बात दादा, हाँ भाई, अपना जेठालाल का इंक्वायरी निकाला क्या? निकाला ना भाई, उसके बेटे का एडमिशन 1 मार्क्स के लिए रुक गया था। 1 मार्क्स? बेचारे को 1 मार्क्स पूरे 7 लाख में पड़ा। अरे हेलो। हाँ सेटिंग भाई, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। बकरे का फोन है बकरे। हाँ समझ गया, जल्दी बोलो, अपन के पास टाइम नहीं है। नहीं, वो 7 लाख का बंदोबस्त हो गया तो मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा ना? सब पैसे का बात खुल्लम खुल्ला नहीं करने का। तो एक काम कर, 7 लीटर पानी लेके आधे घंटे में अपुन को वही मिल जहाँ पहले मिला था, समझा? ठीक है, हम अभी आते, अभी आते। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ मिले थे वही बुला है पैसा लेके। चलो फिर, ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। और हाँ सेठ जी, एक बात का खास ध्यान रखना, इस पेन को अभी से ऑन मत करना, वहां जाने के बाद ऑन करना, वरना इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू बगा, तुमने बता दिया। चलो चले मेहता सर। हाँ बापू जी। बेटा लाल अभी सिंगम नहीं बनना है, शांत रहना है। और सोचो ये सेटिंग भाई तो सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है, ये जिन बादशाहों वजीरों के लिए काम कर रहा है हमें उसे पकड़ना है। इसलिए इस पेन को अभी सेटिंग भाई के सामने ऑन मत करना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो मेन आदमी है हमें उसका स्टिंग ऑपरेशन करना है, इसलिए जब उससे मिले तब पेन चालू करना। अभी एक काम करो, प्लीज पेन को निकालो, जेब में डालो ताकि उन्हें नजर नहीं आए। रेडी, चलिए। बेटा लाल एक बार फिर कह रहा हूँ, जोश में आके कोई गड़बड़ मत करना। नहीं होगी भाई, ये एडमिशन का सीजन खत्म हो जाए फिर दुबई घूमने चलेंगे। ए नहीं रे दुबई, इस बार अपन लोग ना पेरिस जाएंगे। पेरिस? ओ गुजराती भाई आ गया। अच्छा अच्छा, ओ भाई इधर इधर। नमस्ते भाई। नमस्कार। अपना मोबाइल ऑफ करके इधर बैठ जाओ। हाँ ऑफ ही है। चालू नहीं किया गया जब से। और सेटिंग भाई सब मजे में? नहीं, तू 1 करोड़ देगा उसके बाद अपुन के मजे मजे। 1 करोड़? अपने तो 7 लीटर ही पानी मंगा है ना भाई, तू अपने काम से काम रखना, कि मेरे मजे मजे की बात काहे को कर रहे ला। सॉरी। अच्छा ये बता, 7 लीटर पानी लाया है कि नहीं लाया? हाँ हाँ तो दो। हाँ जी। इधर उधर क्या देख रहा है, पानी देने का है कि अपुन के साथ फोटो खिंचवाने का है? नहीं नहीं पानी देने आया हूँ। तो दो। वो शटिंग भाई अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात बोलूं। क्या जामुन नहीं खाना? नहीं 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 खाना है, बड़े चाव से खाना है। क्या है कि
आप मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट। चार सिम कार्ड वाला एक मोबाइल लेकर आया हूँ। क्या कि आप चार चार मोबाइल लेके घूमते हैं तो काफी असुविधा होती होगी, नहीं? तो क्या ये एक ही मोबाइल आपके चार मोबाइल का काम करेगा? ये गिफ्ट विफ्ट देकर तेरा कोई 7 लीटर में कुछ कम करवाने का प्लान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पानी तो मैं पूरा 7 लीटर दूंगा, एक बूंद भी कम नहीं दूंगा। अरे सेटिंग भाई ने इतना मेरा बड़ा काम कर दिया है, उनको मैं कम कैसे दे सकता हूँ? सेटिंग भाई, सच में आप जानते नहीं आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा। आपकी वजह से मेरे बेटे के चेहरे पे फिर से मुस्कान लौट आई है, इसलिए दिल से गिफ्ट दे रहा हूँ। आपको पता है ये मोबाइल अभी तक मार्केट में नहीं आया है, ये लेटेस्ट मोबाइल है। ये तो मेरे मोबाइल की दुकान है, इसलिए सैंपल पीस मेरे पास आया था, वो खास मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। प्लीज सेटिंग भाई, मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। आज के बाद तेरे को अपुन की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, अपुन आधी रात को भी तेरे लिए हाजिर होगा। सेटिंग भाई का प्रॉमिस। अरे सेटिंग भाई, आपने इतना बोल दिया मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। सेटिंग भाई, बस अगर आप बुरा ना माने तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। सेटिंग भाई, वो पुण्यात्मा जिनके थ्रू आप इतना बड़ा काम करा रहे हैं, एक बार अगर उनके दर्शन करवा देते तो जेठालाल उनसे धन्यवाद ज्ञापित कर देते कि उन्होंने इनके सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। हाँ, एक बार अगर उनके दर्शन हो जाते तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। कमाल काम किया, कमाल काम किया, जबरदस्त। उनकी वजह से टप्पू का भविष्य संवरने वाला है, उनके शुभ हाथों से टप्पू को जामुन रूपी प्रसाद मिलने वाला है। एक कृतज्ञ पिता उनसे मिलके सिर्फ अपने मन के उद्गार प्रकट करना चाहता, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता, कहना चाहता है उनसे कि हे दयालु, हे कृपालु, आपने जो काम किया उससे साबित होता है कि आप इंसान नहीं है। हाँ, इंसान के खाल में देवता है, देवता देवता है। हाँ, देवता। एक बार छोटी सी भेंट करा दीजिए देवता से ताकि धन्यवाद दे सके, बस। क्या क्या सोच रहे हैं सेटिंग भाई? सेटिंग भाई दर्शन करवा रहे हैं ना हमारे? नहीं नहीं, मैं तो सब सेटिंग भाई को ज्यादा फोर्स मत कीजिए, शायद उनसे मिलवाना इनके बस की बात नहीं। क्या 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 बोलो? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको उनसे डांट पड़े। कौन डांटेगा आप उनको? वो खरे खरे खरे। अरे वो ट्रस्टी होगा अपने घर पे। ट्रस्टी? सेटिंग भाई के सामने किसी की होशियारी नहीं चलती। तुम लोग बिंदास जाओ और उसको जाके मिलो। देखता हूँ कैसे नहीं मिलता। उसको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजे लाए, जाके मिल ले। और उसको जाके बोलना स्पेशली कि सेटिंग भाई ने भेजेला है। वो खरे साहब के केबिन के बाहर जो चपरासी बैठा होगा उसने हमें अंदर जाने से रोक लिया तो? ए, तेरे पास अपुन का वो कार्ड है ना, नंबर वाला? हाँ। अपुन इस पे साइन करते हैं, जाके चपरासी को दिखाने का, वो तुमको अंदर जाने देगा। कटिंग पेन दे। पेन तो नहीं है भाई? नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, इन लोग के पास रहेगा। पेन दो। अरे क्या हुआ भाई,
अरे पेन दो ना। पेन? पेन नहीं, पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। नहीं है? कोई बात नहीं, अपुन खरे साहब को फोन कर रहा है, तुम लोग जाओ बिंदास। चलो चलो। ए, सुनो वो पैसा खरे साहब को दे देना, उनको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजा है, खुश हो जाएंगे। चल जाओ अब तुम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल जाओ अब तुम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ खरे साहब। हाँ वो अपुन ने आपको बोला था ना एडमिशन के लिए, हाँ वो आगे ले। हाँ हाँ 7 लीटर 7 मी लाए, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बहुत भले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप मिल लेना एक बार। नहीं मैंने नहीं लिया, आप ले लेना, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। अरे देखो बेचारे कितने भले लोग हैं, अपना मोबाइल भी भूल गए यहाँ पे। हाँ चल चल उनको दे के आते। चलो भाई आजा। मेहता साहब कॉलेज का ट्रस्टी शिक्षण का व्यापार कर रहे हैं। पूछो मत जेठालाल, कलयुग आ गया है कलयुग। अरे शब्दों के अर्थ बदल गए हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास, ट्रस्टियों के विश्वासघात कर रहे हैं। जेठालाल समय आ गया है, अब वो पेन जेब से निकाल लो और अपनी जेब में लगा लो, और केबिन में घुसने से पहले इस पेन को शुरू कर देना। आज हर उस चेहरे से नकाब उतरेगा जो माँ सरस्वती के मंदिर के अंदर अधर्म कर रहा है। गणपति पप्पा मोरे भाई को बोल रहे हैं। ओ मेरे बेटे का एडमिशन होने जा रहा है, शुभ काम होने जा रहा है, तो शुभ काम शुरू हो उसके पहले हमेशा भगवान का नाम तो लेते ही है ना, इसलिए मैंने बोला गणपति पापा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य। चल 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 रुको। अरे अपना मोबाइल तो लेके जाओ, तुम लोग अपुन के ऑफिस में भूल गए थे। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सेटिंग बॉय, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। ओके बाल बाल बच गए। क्या बात है सेटिंग भाई, आप क्या सोच में पड़ गए? तूने देखा कटिंग, जेठालाल की जेब में पेन था। हाँ भाई, लेकिन अपुन ने जब उससे अंदर पेन मांगा तो वो बोला नहीं था। पेन नहीं, पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। मतलब समझ में आ रहा है, कुछ तो लोचा है भाई। कुछ नहीं, बहुत बड़ा लोचा है। ये दोनों लोग एड़ा बन के पेड़ा खा रहे ले। अपुन को लगता है ये लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आए ले। ट्रस्टी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अपुन दे। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से ना डरे। बोला सेटिंग, बोला। सर कुछ गड़बड़ है। अरे पापा कसली गड़बड़? वो जो दो लोग आ रहे लेना वो गड़बड़ है। अब उनको लगता है वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आ रहे ले। हा? उनकी जेब में कैमरा है, वो भी पेन के अंदर। क्या? हाँ ईश्वर महादेव खरे का स्टिंग ऑपरेशन। इतनी हिम्मत? सॉरी सर, अगर अपुन को पहले मालूम होता तो अपुन उनको भेजता ही नहीं। सर आप बोले तो अपुन उसको बाहर ही रोक ले क्या? नो 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 नो। अरे बाहर रोकोगे तो मजा नहीं आएगा। अरे एवं दे रे बाबा एवं दे। लेकिन सर कुछ गड़बड़ होगी तो? सर आप टेंशन ना लो, अपुन उनको बाहर से ही धक्के मार के निकाल देगा। सेटिंग तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? ईश्वर महादेव खरे, मैं किसी से नहीं डरता। और धक्का शरीर को नहीं दिमाग को देना चाहिए, दिल को देना चाहिए, और ऐसा धक्का कि फिर कभी हमसे चालाकी करने की कोशिश ही नहीं करे। ईश्वर महादेव खरे, किसी से ना डरे। बाप रे बाप,
ये क्या हो गया भाई, हम लोग तो बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गए। हम लोग जिसका शिकार करने जा रहे थे उसे पता चल गया है कि हम लोग शिकार करने आ रहे हैं। वो पैन जो हमारा हथियार थी, वो पैन जिससे हम स्टिंग ऑपरेशन करके भांडा फोड़ने वाले थे आई एम खरे का, उसी पैन ने हमारा भांडा फोड़ दिया है। आई एम खरे जो इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा एडमिशन रेकर्ड चलाता है, वो कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं। अभी आई एम खरे हमारा क्या हाल करेगा, क्या हम बच पाएंगे भाई? हम दोनों ही आने वाले तूफान से बेखबर है। अब जो कुछ होने वाला है वो कल्पना से परे, हंसी और हंगामों दोनों का ग्राफ बढ़ने वाला है और टेंशन का भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।